मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान की गणना 3 दिसंबर को होगी। शाजापुर में भी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में शाजापुर, सुजालपुर और कालापीपल विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम रखी गई है। यहां बने स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरों पर सुरक्षा के पहरे लगाए गए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और जिला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने आला अधिकारियों के साथ यहां का निरीक्षण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। जिला कलेक्टर ने बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना शाजापुर की 22 राउंड में वहीं सुजालपुर कालापीपल की 19-19 राउंड में होगी। गौरतलब है कि शाजापुर भाजपा से अरुण भीमावत, कांग्रेस से हुकुम सिंह कराड़ा मैदान में है। वहीं सुजालपुर भाजपा से इंदर सिंह परमार तो कांग्रेस से रामवीर सिंह सिकरवार के बीच मुकाबला है। वहीं कालापीपल से भाजपा के घनश्याम चंद्रवंशी तो कांग्रेस से कुणाल चौधरी का भाग्य ईवीएम में कैद है। बेसिकली कल हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की थी और हमने उनको बताया था कि हमारी क्या व्यवस्थाएं स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर है और मतगणना को लेकर है और जो उनके काउंटिंग एजेंट्स आएंगे उनकी एंट्री कहाँ से होगी। कल भी हमने अपने आरओ के माध्यम से उनको दिखवाया था, हम और एसपी साहब स्वयं आकर उनको दिखवाए कि कहाँ से हमारे कौन लोग एंटर करेंगे, क्या हमारा रास्ता रहेगा। को सुझाव भी जो आए थे वो भी समझे गए। एक सीसीटीवी जो हमारे लगा हुआ है उसको लेकर भी इशू आ रहा था कि क्या बहुत बड़ी स्क्रीन से भी वहाँ पे देखा जा सकता है क्या। ऑलरेडी एक काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में 2 स्क्रीन हमने लगा रखी है, मुझे लगता है कि काफ़ी है। और हमने अपने सीसीटीवी कैमरे वाले वेंडर को बोला हुआ है कि वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पर उसका बंदा हमेशा बना रहेगा ताकि कहीं पर भी गैप। 3 लेयर सिक्योरिटी है, जैसे एक हमारा जो फ्रंट है 100 मीटर वाला वहाँ से सिक्योरिटी रहेगी, पहला लेयर वहाँ पे है, सेकंड लेयर जो हमारे गेट से अंदर से एंट्री करेंगे और थर्ड लेयर हमारा रहेगा जहाँ पे मतगणना स्थल के अंदर जो गेट से अंदर एंट्री की जाएगी हॉल के लिए तमाम। सवेरे 8 बजे से हमारी मतगणना प्रारंभ है, 7 बजे तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो काउंटिंग एजेंट्स उनको बोला है कि वो भी वहाँ पर आ जाए और हमारी टीम तो समय से पहले आ ही जाएगी। जो हमारे पॉलिटिकल के काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए एक पिंक कलर का बैच लगा रखा है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए वाइट कलर का है और समय पर होगा। टोटल मैक्सिमम 22 राउंड हमारे शाजापुर विधानसभा को लेकर है, बाकी दोनों विधानसभा में 19-19 राउंड है। हम कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे काम करें और अच्छा काम करें और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो सके हमारे काउंटिंग। शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्री की रिपोर्ट।